नेटफोर 15 पर आप देख रहे हैं सफ़र जायके का। हम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मेरठ में हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ के ख़ास जायके। इस वक्त मैं मेरठ के सिविल लाइंस में स्टेडियम चौक के बिल्कुल नज़दीक खड़ा हूं और मेरे सामने मीट वाला दी हट्टी है। हमें बताया गया कि मेरठ में मीट वाला दी हट्टी का बटर चिकन और शवरमा बहुत मशहूर है। आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं मीट वाला दी हट्टी के कौन से जायके यहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं मेरठ में मीट वाला दी हट्टी के ओनर गौरव खन्ना। गौरव, मुझे सबसे पहले से बताइए, ये जो आपका आउटलेट है मीट वाला दी हट्टी मेरठ के अंदर, कब इस्टेब्लिश हुआ और क्या स्पेशल है आपके पास? ये हमने लास्ट ईयर अप्रैल एंड में, टू बी स्पेसिफिक 24th ऑफ अप्रैल को हमने इसका इनॉग्रेशन किया था। स्टार्टिंग हमने फ्रोजन फूड से करी थी और फिर धीरे धीरे एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम लोगों ने इसमें तंदूरी ऐड किया, ग्रेवीज ऐड करी। नाउ वी आर फेमस फॉर आर बटर चिकन, मलाई टिक्का इन तंदूरी, बटर चिकन इन ग्रेवीज, मलन कोरमा एंड रोगन जोश इन ग्रेवीज और हमारे टॉप सेलिंग जो फर्स्ट डे से हमने लॉन्च किया था शावरमा रोल। हमने दिल्ली में भी जो शावरमा टेस्ट किया उसमें दो तरह का शावरमा होता है, राइट? एक तो ओरिजिनल लेबनीज शावरमा होता है, राइट? जैसे हमने कुछ लेबनीज फूड जॉइंट्स को कवर किया, कुछ और दूसरे इंटरनेशनल कुजीन्स को कवर किया, उनका जो शावरमा होता है बिल्कुल वो ओरिजिनल लेबनीज शावरमा होता है, जो इंडियंस पसंद नहीं करते। हाँ, जो ब्लेंडिंग टेस्ट होता है ना, जो इंडियंस पसंद नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे फूड जॉइंट्स ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर जो लोग शावरमा बनाते हैं लेकिन उसको इंडियनाइज कर देते हैं। डिश लेबनीज है लेकिन इंडियन स्पाइसेस के साथ में इसको ब्लेंड करके हमने उसको सेल करते हैं। मतलब थोड़ा सा आपने इंडियनाइज किया, बिल्कुल इंडियनाइज किया। शावरमा के अलावा हमने आपके बटर चिकन की भी तारीफ सुनी है। हाँ, बटर चिकन आपका लोग बहुत पसंद करते हैं। उसमें ऐसा क्या खास है जो बाकी जगह से डिफरेंट है? मैं बाकी जगह का तो कंपैरिजन नहीं करूँगा लेकिन मेरे खास में ये है कि जो ऑथेंटिक आपका बटर चिकन होना चाहिए, मैं उसी के 90% लेवल, 95% लेवल को टेस्ट को मेंटेन करते हुए कॉस्ट के अकॉर्डिंगली वो सर्व कर रहा हूँ। तो उस कॉस्ट में वो टेस्ट जो यहाँ जो मेरे पास कस्टमर फीडबैक आता है वो मोती महल से कंपेयर करते हैं। अच्छा, तो आज आपका बटर चिकन टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, और आपका शावरमा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। और आप मटन रोगन जोश में कहूँगा या मटन कोरमा अगर आप टेस्ट करेंगे तो भी आपको एक डिफरेंट क्लास सबको टेस्ट करने को मिलेगा, तो प्लीज़ ट्राई करें। ठीक है, मेरठ में जितने भी लोग रहते हैं और जो लोग भी नॉन वेज पसंद करते हैं उनके लिए एक ऐसा आइटम जो वो यहाँ आके ज़रूर टेस्ट करें, वन आइटम टू डाई फॉर, बटर चिकन। बटर चिकन, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक कपूर है। अच्छा ऋतिक, मुझे सबसे पहले तो बताइए मेरठ में मीट वाला दी हट्टी का क्या स्पेशल है? बिल्कुल पास ही है तो मैं इनका बिल्कुल रेगुलर कस्टमर हूँ और जो इनका सबसे स्पेशल है वो इनका बटर चिकन और चिकन तंदूरी ब्रेस्ट है। अब जो बेसिकली जिम डाइट में जो भी जाता है उसके लिए चिकन तंदूरी ब्रेस्ट बेस्ट है और मतलब भैया से काफ़ी अच्छे मेरे वो भी है, रिलेशन भी है और जितने जो भी भैया क्वालिटी यूज़ करते हैं वो मेरठ में ऐसी कहीं मिलती नहीं, सबसे बेस्ट है। यहाँ पे शवरमा जैसे इनका बहुत फेमस है तो उसका टेस्ट पूरे मेरठ में से टेस्ट नहीं आपको मिलेगा कहीं। शावरमा तो खाना ही खाना है आके, और बटर चिकन और मटन रोगन जोश ये सारे ऑर्डर रहते हैं और जिम डाइट भी बहुत सही है इनकी। जितने भी कस्टमर से, जितने भी लोगों से हमने यहाँ बात करी उन्होंने हमें बताया कि इनका शावरमा और बटर चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है। स्टार्टर्स में मेरे सामने एक शावरमा रोल है और एक ड्राई चिली चिकन है। शुरुआत शावरमा से क्योंकि शावरमा की हमने तारीफ बहुत सुनी है, अब टेस्ट करके देखते हैं इनका शावरमा कैसा है। छोटा
छोटे शहरों में अक्सर हम देखते हैं कि जो भी इंटरनेशनल कुजीन होता है उसको थोड़ा सा इंडियनाइज कर दिया जाता है, लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दिए जाते हैं। ये जो शवरमा इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा इंडियनाइज नहीं किया गया है, ओरिजिनल रखने की कोशिश की गई है, ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं इसमें ऐड किए गए, लेकिन लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको इंडियनाइज किया, थोड़ा सा इंडियन मसाले इसमें इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, बहुत बढ़िया है। उत्तर भारत में खासतौर से जो छोटे शहर होते हैं वहाँ हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वहाँ पर इंटरनेशनल कुजीन बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कि उसको होना चाहिए। हमने मेरठ में मुख्तलिफ फूड जॉइंट्स में चिकन टिक्का और मलाई टिक्का टेस्ट किया है। मैं देखता हूँ मीट वाला दी हट्टी का मलाई टिक्का इसका कैसा टेस्ट है। काफ़ी सारा क्रीम मुझे इसमें नज़र आ रहा है, और ख़ास बात जो है वो ये कि हमने मेरठ के अंदर जहाँ पर भी नॉन वेज स्टार्टर्स टेस्ट किए हमें कटी हुई अदरक उसमें ज़रूर मिली है, कटी हुई अदरक इसमें भी डाली हुई है, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके इन्होंने गार्निश किया उसका। मीट वाला दी हट्टी के इन तीनों स्टार्टर्स में हासिल महफिल जायका शवरमा है, शवरमा लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। स्टार्टर्स के बाद अब इस वक्त मेरी टेबल पर बटर चिकन है, मीट वाला दी हट्टी का मशहूर बटर चिकन जिसके बारे में हमें सभी लोगों ने इसकी तारीफ की है। मैं देखता हूँ मेरठ में मीट वाला दी हट्टी का बटर चिकन इसका कैसा जायका है। काफ़ी सारा बटर मुझे इसमें नज़र आ रहा है, थोड़ा सा क्रीम भी है ऊपर से, बहुत अच्छे से इन्होंने इसको गार्निश किया है, कटा हुआ हरा धनिया और उसके साथ क्रीम एंड बटर। ब्रेड्स में मेरे पास रुमाली रोटी है, लच्छा पराठा है और साथ में तंदूरी बटर रोटी है। सपोर्ट सिस्टम में मेरे पास मिंट सॉस है, दही और पुदीने वाली चटनी और साथ में थोड़ा सा सैलेड है, कटी हुई प्याज है। मेरठ में मीट वाला दी हट्टी का बटर चिकन जबरदस्त है, बहुत बढ़िया जायका है इसका। बटर चिकन के बाद अब मैं देखता हूँ इनका मटन कौरमा कैसा है। हमें मेरठ में चिकन के मुख्तलिफ आइटम्स हमने टेस्ट किए, मुख्तलिफ डिशेस हमने टेस्ट की चिकन की, मटन हमें बहुत ज़्यादा यहाँ खाने को नहीं मिला है, और ख़ास तौर से मटन कौरमा तो मैं सिर्फ दूसरी बार यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ। साथ में लच्छा पराठा है। बिल्कुल एक जो मुगलई कौरमा होता है ऑलमोस्ट वैसा ही है, 100% मुगलई कौरमा तो नहीं है ये, लेकिन 90% मुगलई कौरमा है जैसा कि इसको होना चाहिए। बटर चिकन और मटन कौरमा दोनों लाजवाब हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आप मेरठ शहर में रहते हैं और आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप कभी भी साकेत की तरफ आएँ, मीट वाला दी हट्टी का ये चिकन शवरमा आप ज़रूर टेस्ट करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। जायके के सफ़र के इस एपिसोड को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, अगले एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे किसी और फूड डेस्टिनेशन पर और आप तक पहुँचाएँगे कुछ और लाजवाब जायके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जायके के सफर के जो भी नए एपिसोड्स आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरठ फूड ड्राइव का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। नेटवर्क 15 पर आप देख रहे थे सफ़र जायके का मेरठ फूड ड्राइव।